और इस समय देख सकते हैं जिया हो गई है तैयार, तो जिया जाने वाली है जी अपने मायके। तो सास बहू दोनों का मायके हो गया वहीं पर एक ही जगह। उस क्रिएटर तो हमें लगता है आपके ऊपर निशाना साध रहे थे, जिनकी जैसी सोच है अपना उसी तरीके से बोलेंगे, अश्लीलता करके बिल्कुल अपना मान सम्मान बेच करके एकदम पूरा नाटक ड्रामा सब कुछ करके हम वीडियो बनाए जो की गंदगी को अप्रिशिएट करने वाले होंगे। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो यहाँ देख सकते हैं हमारे बेटे को, हमारा बेटा एक समान स्थिर जगह पे नहीं रहने देता, सही जगह पे हमारा सामान कुछ रह नहीं सकता है। ये टॉवल नीचे फेंक देगा और इधर पति देव का लगता है फिर कोई पार्सल आया हुआ है। अच्छा तो यहाँ पे आया हुआ है पार्सल पिज्जा। ओके तो यहाँ पे आ गया है पिज्जा, दो पिज्जा आया है। ओके तो ये क्या कर रहे हैं आप? दो जगह बराबर बंट रहा है, दो बराबर चेंज कर रहे हैं उसमें से कि दोनों जो जो है दोनों का टेस्ट लिया जाए। डैडी को बोलो खा लेंगे। बोल देते हैं। A few moments later. पापा का चश्मा पहन के हीरो बन रहा है। हाँ पापा का चश्मा पहन लिया है, देखिए कैसे कितना बढ़िया से पहना है। पापा को पहना दो, पापा का चश्मा है। चश्मा लाओ, आईने में जाके देख भी रहा है तुमसे बड़ा चश्मा है। ये चीज़ इसको लगा दे दीजिए, एक चश्मा लगा दीजिए। अरे पापर वाला चश्मा है भैया, ना देते नया चश्मा, नया चश्मा। अरे छोड़ दो बेटा, एक तो तोड़ ही दिया पूरा का पूरा चश्मा। पापा को पहना दो भैया, पहले खुश होता तब खुद पहनेगा तब खुश होगा। चश्मा चश्मा। The next day. क्रियान, good morning, राधे राधे कर दो सबको, कर दो राधे राधे, राधे राधे करो सबको, राधे राधे कर सबको। ये टीवी देख रहा है। चला दादी के साथ घूमने के लिए, आज दादी के साथ घूमने जा रहा है, यही इसका प्लान रहता है कि एक सामान बाहर फेंक दो फिर जैसे गेट खुलेगा और हम भाग जाए। चलो क्रियांश, अभी क्रियांश किसी तरफ नहीं देखता है। हाँ क्योंकि इसको जाना नीचे उतार देने के बाद ये पकड़ में नहीं आता है। माँ किसको बात कह रहा है रे? तो जी हम लोगों का हो गया होली खेला हुआ और बहुत अच्छे से होली खेला और बहुत ही मजे से होली खेला। और होली का जो कुछ कुछ रंग है अभी भी गया नहीं है, तो वह रंग सब जो है धीरे धीरे करके जाएगा। देख सकते हैं नाखून सब में अभी भी है, रंग सब दिखेगा आपको। और क्रियांश फिलहाल गया हुआ है नीचे अपना दादा दादी के पास, तो वहीं पर जो है अपना फिलहाल खेल रहा है। और समय हो गया है हमारे काम पर बैठने का, तो आज के दिन की शुरुआत जो है कुछ इसी तरह हो रही है। और फिलहाल जिया भी चली गई है पूजा करने। ठीक है जिया पूजा कर लो, पूजा करने के बाद कुछ नाश्ता लेते आना मेरे लिए, भूख लग गई है बहुत तेज हमको। लेके आए थे फल सब, लेके आ गए हैं फल सब, काट के दे देना है पपीता खास करके। ठीक है चल। तो अभी बज रहे हैं जी शाम के 7:45 और इस समय देख सकते हैं जिया हो गई है तैयार, तो जिया जाने वाली है जी अपने मायके। तो जिया अपने मायके जाने को लेकर के जो है बहुत खुश है, सोच तो रही थी कि होली में ही चले जाएंगे लेकिन होली में मौका नहीं मिला, तो आज ही चल रही है। तो चलते हैं, बगल में ही है मायके और कौन सा मायके है आप लोग समझ जाएंगे कुछ ही देर में। जो लोग पहले से ब्लॉग को देखते आ रहे हैं और मम्मी पापा भी जो है उनको भी न्योता मिला हुआ है वहाँ जाने का, तो सभी लोग हम लोग चलने वाले हैं। अच्छा ऐसा मायके है मेरा भाई है। अच्छा मेरी भाभी है। तो सास बहू दोनों का मायके हो गया वहीं पर एक ही जगह। चलो कोई बात नहीं, तो चलते हैं। क्रियांश फिलहाल ऊपर है, उसको बाद में लेकर के जाएंगे। चलो 20 minutes later. खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं आप? दही बाड़ा। कैसा लगा? बहुत अच्छा बना है। बना है और खाइएगा। लेते हो ना, तुमको खिलाना है जितना खिलाओ ना, मना थोड़े कर रहे हैं। लाके दे रहे हैं। हमको लगा कि गाजर का हलवा भी खाए हैं तो पेट भर गया, इसलिए दो ही लाए। सोचो मत, सोचने काम मेरे ऊपर छोड़ो। हलवा कैसा लगा था? वो भी अच्छा था। वो भी ले आए कटोरी क्या? ठीक है तो हम लोग खाना खा के आ गए और यहाँ क्रियांश रोड पे भाग गया था, तो दो आदमी उसके पीछे गए थे पकड़ने के। नेक्स्ट डे तो अभी सुबह के बज रहे 8:30 और मेरा सब कुछ हो गया, बस जा रही हूँ नहाने के लिए। और पतिदेव अभी मूवी देख रहे हैं सुबह सुबह, पता नहीं इनको कौन सा भूत चढ़ा है, दिखाती हूँ आपको। तो इनको देख सकते कौन सा भूत चढ़ा है। अच्छा तो सो गए और इधर हमारी दीदी भी आ गई है काम के लिए, तो चलते हैं। क्रियांश भी नीचे चला गया तो जल्दी से चलते हैं नहा लेते हैं, नहीं तो फिर क्रियांश आ जाता है ना, जिस दिन मैं सुबह नहीं नहा पाती हूँ सीधे मैं 2-3 समय मिलता है नहाने का, इस वजह से मैं क्या करती हूँ डैडी सुबह उसको रखते हैं और मैं नहा के पूजा कर लेती हूँ। यहाँ क्रियांश जब फूल में पानी पटा के आया और खुद भी देख सकते हैं पूरा गीला हो चुका है। पानी पटा के आया हो तू, क्या किया तुमने? पूरा गीला गीला हो के आया है, छत पे डैडी पानी फूल में दे रहे थे और छो
गीला हुआ गोदी में ले तुमको। हाँ मम्मा को भी गीला कर दो। उतरो उतरो ना, पूरा गीला होके आया एकदम से। खोल जल्दी खोल, सर्दी लग जाएगा। पूछी दो पूछी दो पूछी दो पूछी दो पूछी क्या क्या बोला ना, दुलार दुलार करना इसको। ठीक बहुत, ताकि मम्मा डांटे नहीं इसलिए दुलार कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक करिए ना दुलार। अब कपड़ा खोलो। नोनो क्या नोनो नोनो पूरा मिट्टी मिट्टी कर गया है। क्यों देखो सब लोग तुमको देख रहे हैं, कितना बदमाश है तू। हाँ क्या क्यों मारेगा हमको। अच्छा कोई मत देखिए, कोई मत देखिए, सब अपना आँख बंद कर लीजिए, सब अपना आँख बंद कर लीजिए। क्रियाज में आँख बंद कर लिया। अच्छे अच्छे आँख बंद कर लीजिए। बहुत बड़ा नौटंकी बाज हो गया क्रियाज। और A few moments later. तो क्रियाज जो है फिर से न्यू ड्रेस पहन के आ गया है, और इस बार इसने गीला किया तो बहुत मार लगेगा। ठीक है मम्मा नहीं है तुम्हारी मम्मा। उतरो जा, अब तुम गीला किए हो तो बहुत मारेंगे तुमको। ठीक है नहीं मारेंगे। ओके नहीं मारेंगे। 20 minutes later. खा रहे हैं पपीता जो कभी कदार खाते हैं ये। कुछ टाइम का खाते नहीं है। और इधर चल रहा है इनका काम। क्या डेली खाया जाएगा, चिंता मत करो। आप और आप दो दिन काम कर लो, तीसरा दिन काम। हाँ क्या हुआ, सीढ़ी से नीचे जा रहा है क्रियाज। सीढ़ी से नीचे जा रहा था और देख लो पकड़ लिया। एक्टिंग वाला रोड है, एक्टिंग वाला, ये एक्टिंग वाला रोड है, ये एक्टिंग वाला है। बिल्कुल 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 है। 3 hours late. बेचारी जिया आई एकदम सज धज करके, सोची कि थोड़ा जो है अपना रील सब शूट करेंगे, फोटो वोटो सब थोड़ा शूट करवाएंगे। लेकिन हमारा बेटा जो है बीच में ही जग गया और जिया का सारा प्लान जो है ऐसी तो तैसी रह गया। एक घंटा लगा उसको सुलाने में, ठीक है। एक घंटा लगा मुझे रेडी होने में, और तब तुम्हें बेटा उठ गया। सारा मेहनत बर्बाद हो गया है ना। तो कोई बात नहीं जी, तो क्रियाज के साथ ही जिस तरह से हो सका है वीडियो शूट किसी तरीके से करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट डे ऐसे ही चलता रहेगा, वेटिंग तो चलता ही रहता है हम लोगों का। बाकी सारी सच में तुम्हारा अच्छा है एकदम, यह लेटेस्ट ट्रेंड का जिमी चू बोलते हैं ना। हाँ, इसको जिमी चू सारी बोलते हैं। हाँ, हाँ। तुम्हारे साथ जो है जाते जाते थोड़ा बहुत हमको भी आइडिया हो गया है। अगर आप लोग भी लेना चाहते हैं उनका नंबर यहाँ पे डाल दूंगी, आप लोग उन्हें मैसेज करके या फिर कॉल करके ऑर्डर कर। अच्छा ऑनलाइन मंगवाई थी। हाँ ऑनलाइन। ओके ओके चलो चलो बढ़िया। चलो अब क्रियाज को लेकर के चलो नीचे। वाह वहाँ से मिट्टी ले रहा है गमला से बाहर उसको फेंकता है। घर में इसको मिट्टी नहीं मिलता है तब क्या सीखा है, जितना गमला है सबका मिट्टी निकाल निकाल के फेंकता है। जैसे कि वो हर गमला का कुछ ना कुछ मिट्टी निकल चुका है, सब में डालना पड़ेगा। चलो क्रिया चलो 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 चलो। बोला क्या? बोल रहा चलो। 1 hour later. तो फाइनली जी हमारा कैसे भी शूट हो गया और 1 बजे से हम लगे पड़े और अभी बजने वाले हैं 5। बिल्कुल जी, और बीच में जो है क्रियांश के जो है यहाँ पर रहने से जो है थोड़ा वीडियो जो शूट आधा घंटा एक घंटा में हो सकता था उसमें 2 घंटा 2.5 घंटा। मेरा 1 घंटे में वीडियो शूट हो जाता है और आधे घंटे में साड़ी वगैरह अगर पहनना रहता है तो एक आधा घंटा लगता है मुझे साड़ी पहनने में और 1 घंटा शूट, मतलब 1.5 घंटे में काम खत्म हो जाता है। लेकिन क्रियांश के आने से थोड़ा सा जो टाइम जो है डबल हो जाता है। नहीं क्रियांश का तो ये नाम ले रहे हैं, लेकिन ये अपना नाम नहीं ले रहे हैं कि ये भी सोए हुए थे। मैं वेट कर रही थी कि ये उठेंगे तो मैं वीडियो शूट करूंगी। तो हम उठ गए, उसके बाद क्रियांश भी उठ गया। मेन बात वो दोनों बाप बेटे की वजह से। ठीक है मेरे बेटे सोए हुए थे, लेकिन जब हम सोए हुए थे तब तुम तैयार हो रही थी। नहीं हम धीरे धीरे तैयार हो रहे थे, सोच रहे थे कि आप जो है उठिएगा तभी वीडियो बनाएगा। इतना दम तो नहीं है मैं आपको जाके उठा दूंगी। चलिए जी ये सब छोड़िए, बाकी आप लोग का कमेंट सब जैसा कि हम बताते हैं कि पढ़ते रहते हैं, बहुत ही प्यारी प्यारी कमेंट आती है, बहुत ही मोटिवेशन हम लोगों को उससे मिलता है और बहुत ही उत्साह मिलता है। देख रहे तुम्हारा हाथ थोड़ा हिल रहा है, कोई बात नहीं। और बाकी देख रहे थे क्या कुछ और भी कमेंट आ रहा था, कह रहे थे कि जी कुछ क्रिएटर जो है लगता है आपके ऊपर निशाना साध रहे थे कि व्यूज और पैसे सबको चाहिए थी, जो भी बोल रहे हैं कि व्यूज और पैसे नहीं चाहिए, वो आपको झूठ बोल रहा है, बेवकूफ बना रहा है, पागल बना रहा है, शायद कुछ ऐसा ऐसा करके बोला गया था। चलिए जी कोई बात नहीं, जिनकी जैसी सोच है अपना उसी तरीके से बोलेंगे। उनको विश्वास नहीं होता है बहुत लोगों को कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इज्जत को भी प्रायोरिटी देते हैं और अपना जो मान सम्मान होता है परिवार का। बात सही है, उन्होंने सही बोला कि व्यूज के लिए पैसे के लिए लोग वीडियो बनाते हैं, बात सही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अश्लीलता करके वीडियो बनाएं। अपना मान सम्मान बेच करके एकदम पूरा नाटक ड्रामा सब कुछ करके हम वीडियो बनाए। ये देखिए जी नहीं कहते इज्जत से जो भी कमाए वो अपने पास आ जाए, वही हमें चाहिए थी। तो वही होता है व्यू के मामले में भी, वो होता है कमाई के मामले में। अगर हम लोग अपना लग जाए तो हम भी किसी से कम नहीं रहेंगे, हमारा भी व्यू बहुत आएगा, हमारे सब
सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा रहेंगे, कोलैबोरेशन बहुत आएंगे, बट हमें ऐसा नहीं चाहिए। लेकिन बिल्कुल जी, अपने अपना जो परिवार है उसका इज्जत देखना पड़ता है, और अपना जो ट्रेडिशन है, अपना जो परंपरा है, वह सब कुछ देखना होता है। तो सभी को देख रेख करके ही हम लोग वीडियो बनाते हैं, और आप लोग इस बात को सराहते हैं, भले इस चीज़ को सराहने वाले थोड़े कम लोग दिखेंगे जो कि गंदगी को अप्रिशिएट करने वाले होंगे उसके मुकाबले, लेकिन कोई बात नहीं जी, इतने ही लोग रहे, अच्छे लोग रहे, क्वालिटी लोग रहे, जो अगर खराब ही झुंड है तो झुंड में नहीं शामिल रहे तो काफी अच्छा है। तो अब ऐसा करते हैं जी, इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, उम्मीद करते हैं आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए, ताकि हमारा कोई वीडियो आए सबसे पहले आपको मिले। हां जी, वीडियो को शेयर तो जरूर कर दें, आपके एक शेयर से हमें बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।